रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी मध्यम दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स को MRSM सिस्टम की पहली बराक 8 मिसाइल फायरिंग यूनिट मिल चुकी है। MRSM बराक 8 मिसाइल सिस्टम इंडो इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी इसे इजराइल और भारत दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। MRSM बराक 8 मिसाइल सिस्टम को इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मिलकर तैयार किया है। खतरा चाहे ट्रेडिशनल हो या एडवांस्ड हो, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है क्योंकि इसमें सुपरसोनिक मिसाइल है। सिस्टम एक ही वक्त में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट्स पर 24 मिसाइलें दाग सकता है, यानी इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक साथ दुश्मन के एक नहीं बल्कि 16 हमलों को रोककर खत्म कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टारगेट पर कौन होंगे। हमारे देश की ओर बढ़ते दुश्मन के किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और यहां तक कि क्रूज मिसाइल सिस्टम को भी MRSM बराक 8 मिसाइल सिस्टम तबाह कर सकता है। मित्रों, मुझे यह बताया गया है कि यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। अनेक कड़े परीक्षणों में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, UAV और इसी तरह के अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एयरफोर्स ने इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आज ग्लोबल सिनेरियो काफी तेजी और अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल रहा है।